एक ऐसा सीरियल किलर जिसे करीब 5,000 लोगों के सामने बीच चौक पे एक क्रेन की मदद से फांसी दे दी गई। ये कहानी है ईरान के मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर मोहम्मद विजय की, जिसपे करीब 44 लड़कों के साथ रेप और उसकी हत्या करने का आरोप था। मोहम्मद विजय एक ईरानी सीरियल किलर था जिसे जून 1999 और सितंबर 2004 के बीच 44 युवा लड़कों के साथ बलात्कार और हत्या करने का दोषी ठहराया गया था और उसे 100 करोड़ की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी। उसके सभी शिकार लड़कों की उम्र 8 से 15 साल के बीच थी। इसके अतिरिक्त 2 वयस्कों को भी मार डाला था। तेहरान के आसपास बच्चों की हत्या की घटना में पिछले 71 वर्षों में इसे सबसे बड़ा आपराधिक मामला के रूप में माना गया और इसने देश में जनता की राय को बहुत प्रभावित किया। विजय के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद बच्ची का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। उसके 6 अपने भाई और 6 सौतेले भाई थे। जब वह 4 साल का था तब उसकी माँ की कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके पिता एक व्यापारी थे जिन्होंने विजय की माँ की मृत्यु के तुरंत बाद दूसरी शादी कर ली। विजय बताता है कि उसे अपनी माँ की कोई भी बात याद नहीं थी और उसने कहा कि उसके पिता एक बर्बर व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन में उसे बहुत पीटा और पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया करते थे। उसके पिता ने उसे स्कूल छोड़ने और काम करने के लिए भी मजबूर किया था। वह 11 वर्ष का था जब वह अपने पिता के साथ खानुकाबाद चला गया, जहाँ उसने एक भट्टी पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ कई बार रेप किया गया। उसने स्वीकार किया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और वह समुदाय से बदला लेना चाहता था और वह अपनी माँ की अकाल मृत्यु और बचपन में स्नेह की कमी से पीड़ित था। विजय ने हत्याओं के अपने मुख्य मकसद की टिप्पणी की, मैंने बचपन से क्रूरता का सामना किया है और जब मैंने अपने जीवन की तुलना दूसरों से की तो मुझे इस तरह की कृत्य करने पड़े। विजय को 24 सितंबर 2004 को गिरफ्तार किया गया और तेहरान दंड संहिता की शाखा 74 में पीठासीन न्यायाधीश मंसूर यावरजादे येगनेन और इसके अधिकांश न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया। 27 नवंबर 2004 को उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। विजय ने कहा कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह 100 बच्चों को मार डालता। उसने अपनी मौत की सज़ा के बारे में कहा, मैं मौत की सज़ा के लायक नहीं हूँ। 16 मार्च 2005 को पकाडस में, जो रेगिस्तान इलाके के पास का शहर है जहाँ अधिकांश हत्याएं हुई, लगभग 5,000 की भीड़ के सामने विजय की टी शर्ट उतार दी गई और उसे एक लोहे की चौकी पर हथकड़ी लगा दी गई, जहाँ उसे विभिन्न न्यायिक अधिकारियों ने कोड़े मारे। सजा के दौरान वह एक से अधिक बार जमीन पर गिरा लेकिन चिल्लाया नहीं। पीड़ितों में से एक का रिश्तेदार सुरक्षा से बचने में कामयाब रहा और विजय को पीछे से आकर चाकू मार दिया। पीड़ितों में से एक की मां ने उसके गले में नीली नायलन की रस्सी डाल दी और उसे एक क्रेन द्वारा लगभग 10 मीटर हवा में तब तक उछाला गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।